गाइस कैसे हो सब। और वेलकम बैक टू माय चैनल। और कल अपन ने जिस खेत में पानी छोड़ा था वाले खेत पे मैं आया हूँ अभी, क्योंकि कल यूरिया भी उड़ाया था अपन ने। यूरिया 5 बोरी उड़ा दिया था और 1 बोरी की और उड़ाना है अपने को, तो मैं अभी लेके आया हूँ, उसको भी उड़ा देते हैं। और ऊपर ऊपर की कोर जो खड़े खड़े करना पड़ती है अपने को, वो भी कर देते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो गाइस यूरिया वूरिया तो सब उड़ा दिया है और अभी मैं ये ऊपर ऊपर की कोर जो आफत देती है अपने को, ये दिन दिन में पिला लेता हूँ, फिर रात में भी खेत में पानी चलेगा इसलिए। तो अभी इसको दिन दिन में निपटा देते हैं और यूरिया भी उड़ा दिया है। ये कोर अपन ने कर दी है, ये वहाँ से वहाँ तक ये हरे हरे गुण है ये। और पानी तो आपको पता है वहाँ कोने में सारिया है, अब बस 4 सरी बची है, फिर उधर ऊपर छोड़ देंगे अपन पानी। ये तो हो गया सारा, बस ये इतना बचा है इधर इधर 4 सरी, 4-5 सरी बीच बीच में, तो ये भी हो जाएगा। और ये अपनी मोटर चल रही है, कितना पानी दे रही है हमें जरूर बताना। वहाँ से पानी आ रहा है, इधर इधर हो गया है पानी अपना आधा, 20 सरी और बची है उधर किसी किसी। और इधर ये अलग है, ये इसमें अभी छोड़ा है तो ये शाम तक हो जाएगी 5-6 बजे तक, फिर 20 सरी बचेगी उधर। तो उधर का तो अपन ने कर ही दिया, तो ये चल रहा है नल। ये अपन चलते हैं घर, पानी वानी तो काट दिया और उधर भी कर दी है, और खाना वाना खाते हैं, चाय वाय पीते हैं और फिर आते हैं, देखते हैं क्या है, फिर आगे बढ़ाएंगे एक रोल ला के। और तो आज रात 4 बजे से मोटर बंद है, और क्योंकि कर दी थी बंद, थोड़ा इधर इधर ही बचा था 4-5 घंटे का, तो ये पाइप ले जाना पड़ेगा, तो ये पाइप को लेके चलते हैं और देखते हैं क्या है। ये पाइप लेके आया हूँ मैं, और इधर ये इधर रही है और इधर भी रही है 4-8-10 सरी, तो इस पाइप को थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा अपने को, यहाँ से की भी लगाना पड़ेगी, इसलिए ये लेके आया हूँ। पानी तो ऊपर ने सब लगा दिया है, की भी और 1 घंटा हो गया, लाइट भी चली गई, वो पाइप उधर भी चला गया। मैं अभी वेट कर रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी ऊँची जगह है, तो इधर से अगर पानी नहीं चढ़ेगा तो देखते हैं क्या है। यहाँ पे अभी लगा दिया है, देखते हैं चढ़ता है, क्योंकि पहले अपने को एक पाइप बिछाना पड़ा था और फिर करना पड़ी थी इसको, इसलिए अभी वेट करते हैं अपन। अगर चढ़ता है तो अच्छी बात है, नहीं चढ़ेगा तो फिर वो एक पाइप बिछाएंगे, देखते हैं क्या। तो अभी मैं रुकता हूँ यहीं पर थोड़ी देर, बस ये 4-5 सरी का है, यहाँ से इधर तो पानी सनन जाता है, बस ये यहाँ की दिक्कत है। अगर वहाँ से यहाँ तक अगर पानी इस पर चढ़ के इधर हो गया तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं आ जाएगा, ये 4-5 सरी बाकी तो हो जाएगी, बाकी की तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखते हैं, वेट करते हैं यहाँ तक पानी आने का। और इधर इसका प्लाट है आलू, और इधर प्याज का कण है, चने हैं, बढ़िया है। तो ये ढक्कन खोल दिया है पड़ोस में, आलू में पानी चलाएंगे अभी। ये देखो अभी आलू जस्ट पानी आया, को खेत पे से आए हुए को 1-1.5 घंटा से भी ऊपर हो गया है, और लाइट जबकि नहीं है, जा रही है और आ रही है बार बार, तो इसलिए अभी खेत पे जाना था मुझे, पर 2 घंटे हो गए फिर भी लाइट नहीं है, 2 घंटे में हो जाता तो वो लाइट आएगी, जब तक वेट करते हैं उसके बाद ही जाते हैं, उसके भी 1 घंटा बाद जाएंगे जब से लाइट नहीं है। जब तक अपन जाम खाते हैं, जाम में आया हूँ मैं, बढ़िया बढ़िया लग रहा है ये बढ़िया।
उधर भी अच्छे लग रहा है, इधर भी। और ऐसे पकते जा रहे हैं और खाते भी जाते हैं इधर उधर। तो अपन ढूंढते हैं अपने लिए जाम, एक जाम दिखाए वैसे तोड़ते और फिर करते। तो आज मैं थोड़ा लेट उठा, 10 बज गए थे, और चाय वाय पी, नाश्ता वास्ता करा फर्स्ट क्लास। और अभी जिस खेत में अपना पानी चल रहा था वो कंप्लीट हो गया है रात में, और पास में पड़ोस में जो चले थे उसमें छोड़ दिया है पानी। पड़ोस ही है, कोई दिक्कत नहीं, रात में अपने फिर में मोटर फुर्सत होगी तो उनके खेत में चला गया है, तो वहाँ पे चल रहा है। और अभी हम लोग को दूसरे खेत में पानी चिल्लू करना है, तो आज फ्राइडे भी है और दवा वहाँ भी उड़ाना है, तो देखते हैं क्या प्लान करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। सीकर ही अंदर से पानी जा रहा था ये यहाँ से, और यहाँ से ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा। तो इसमें अभी अपन एम सील लगाते हो, सेट करते हैं। ये देख सकते हो फट गया है, और पहले लगाई थी अपन ने तो ऐसे बंद हो गया था, पर वो वापस से शायद लीकेज हो गया, ये निकल भी गई है इधर, तो इसको लगा के भी सुधारते हैं। इस पे तो लगा दी है अपन ने एम सील, ये देख सकते हो इधर और इधर डबल। तो इधर बोरवेल मशीन आई थी, इस होल को रिपेयर करा था, थोड़ा धस गया था, तो इस थंबे पे अपने तार थे वो तार हिट गए थे, तो अभी उसको लगाते हैं अपने घर के लिए ये। तो अभी मैं रेडी हूँ और जुम्मा पढ़ने जाना है अपने को, तो अभी टाइम हो रहा है 1 बज के 5-10 मिनट बाद निकलेंगे मस्जिद के लिए, और नमाज वमाज पढ़ने चलते हैं, फिर उसके बाद खेत पे जाके और अपने को मोटर दूसरे खेत में भी करना है स्टार्ट, तो वो भी करना है। अभी चने में चल रही है पड़ोस में, वो चला रहे हैं, जब तक अपन इधर का काम निपटा लेते। जुम्मा उम्मा पढ़ के अभी आ गया हूँ, और अभी 3:30 बज रहे हैं, और अभी अपन चलते हैं खेत पे और देखते हैं क्या है क्या नहीं है, फिर उस हिसाब से खेत में सीटिंग करेंगे। दूसरे खेत में अपने को पानी छोड़ना है, तो वहाँ से कीवी भी ले लेना पड़ेगी, तो चलते हैं। तो ये वाला खेत तो पूरा निपटा दिया है अपन ने, पूरा 8 बीघा है, 7-8 बीघा। और अभी इधर आगे चल रही थी मोटर यहाँ से कनेक्शन करके, अभी भी चल रही है, अपन ये कीवी ले जाते हैं उठा के बाहर निकाल के। ये यहाँ पर पाइप खुल गया है, उधर मोटर चल रही थी, तो आते हैं अभी हो गई बंद। कीवी तो ले आए हैं उस खेत से अपन, और अभी 2-4 पाइप के टुकड़े लाना बाकी है, तो वो लेने चलते हैं, वो लेके फिर पानी छोड़ेंगे इसमें। ये वाले खेत में 3 बीघा पिलाना है, ये इधर 1 बीघा और 2 बीघा ये इसको गाँव गाँव, और ये इधर हरा हरा दिख रहा है इसको पिलाना है, तो फिर करते हैं कीवी पिलाते हैं। और ये भेड़ में से पानी जा रही है, इसको ज़्यादा टाइट करा नहीं था अपन, तो अभी इस पे चलते हैं। अभी ये काला टुकड़ा और ये हरे टुकड़े ले जाते हैं, और देखते हैं क्या होता है, चल्लू करते हैं माँ की जगह मोटर। और पानी तो छोड़ दिया है अपन ने, और इधर से 8 सरी और बची है बस, उधर बाकी लग गई, फिर उसको बाद में लगाएंगे अपन, ये होने के बाद फिर ऊपर उधर चलता रहेगा काम। सब कर दी है, और जो नल पाल पे आ रहे थे तो उस पर ये पाइप लगा दिया अपन ने पड़े थे, और ये चल रहे हैं चकाचक, और इसका वाइसर निकल जाए तो इसको हम कर देंगे। तो अभी चलते हैं अपन घर, और फिर 4-5 घंटे बाद आएंगे वापसी। और सामने एकदम धूप है, सुहाना सुहाना मौसम हो रहा है, हरे हरे खेत हो रहे हैं, तो 4-5 घंटे बाद हो जाएगी सही, फिर आएंगे फिर इधर कर देंगे, बदल देंगे गांव को। इस खेत में भी बढ़िया हो रहे हैं, और इसमें भी मतलब दोनों में साथ ही तो बोए थे अपन ने,
अच्छे हो रहे। थोड़ा सा डाउट था क्योंकि अपन ने गाला कम ज़्यादा कर दिया था इसमें, इसलिए। बट एक नंबर है, अभी एक ही पानी हुआ है और अच्छे उग रहे हैं। थोड़े डट हैं बट कोई बात नहीं।